व्हाट्सअप गाइस, आई एम सिद्धांत, यू आर वाचिंग सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अभी मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, अभी यहाँ पे बज रहा है 11:30 और 3:42 पे, पर मेरे को 2 PM यहाँ से निकलना है, बिकॉज मेरे को वहाँ पे एक पहले जाके कार लेसन लेना है। और आज सब बताने वाला हूँ यहाँ पे कार टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या होता है, सब वहाँ पे जाके दिखाऊंगा, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ इन डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज आई एम रेडी, एक बार गाने रोक दूं, रुक जा यार। तो आई भी मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। अभी टेस्ट है मेरा, पहले जाके वो एक घंटा मैं ऐसे कार चलाऊंगा ताकि मैं थोड़ा अपना प्रिपेयर हो जाऊँ टेस्ट के लिए। थोड़ा जाके एक डेढ़ घंटा कार चलाऊंगा और फिर मैं अपना टेस्ट दूंगा। और अभी वो मेरे को थोड़े पॉइंट्स ही बताएगा, मतलब उससे पहले मेरा मॉक टेस्ट काइंड ऑफ मान लो वैसा होगा, एंड फिर मैं प्रॉपर टेस्ट दूंगा। थोड़े बहुत नर्वस होते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देख ली यूट्यूब पर कैसे करते हैं आईलैंड का। आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा अच्छी सी, पूरी प्रॉपर चाहिए, और फिर गाड़ी लेंगे फटाफट। आज अपना लाइसेंस लेके आते हैं, मिल जाएगा भाई को फुल लाइसेंस, चलते हैं फटाफट। भाई बहुत खर्चा हो गया आज, पर फाइनली मज़ा आ गया। आज ऑलमोस्ट मेरा हो गया 90 यूरोज़ 125 यूरो मेरे कार के हो गए, जो रेंट पे लिए और एक लेसन के, एंड फिर मेरे 80-85 यूरो उनको दे दिए, तो 220 यूरोज़ के अराउंड लग गए, पर वर्थ इट थे। और एक चीज़ आप लोगों के लिए वर्थ इट बता देता हूँ, मेरा तो हो गया ठीक है, एक लोग आपकी बता देता हूँ कि भाई बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हैं, जो मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि यहाँ पे आना है कैसे आए, कौन गाइड करेगा हमें, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने के लिए एक आपके लिए काउंसलर है, बेस्ट काउंसलर, जो आपको अच्छे से आपकी प्रोफाइल एसेस करके और अच्छे से आपको गाइड कर देंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सा कॉलेज, कौन सी फ़ीस, और स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर देंगे, वीज़ा में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉर्म फिल कर देना और वो काउंसलर आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसके बाद, और पूरा हेल्प कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई जैसे तुम्हारे भाई ने बताया था, फाइनली टेस्ट क्लियर हो गया। अब तुम्हारे भाई को बस लर्नर परमिट कह रहा हूँ, अरे यार क्या बात निकल रही है, लर्नर परमिट चला जाएगा, फुल लाइसेंस आ जाएगा, और इसके लिए भी अलग से अप्लाई करना पड़ता है बाद में। अभी मेरे को उन्होंने एक लेटर बना के दे दिया, बैग में पड़ा, दिखा दूंगा बाद में, एक लेटर बना के दिया है कि भाई मैंने पास कर लिया टेस्ट, और फिर वो मेरे को कहीं पर अपलोड करना है, दिखाना है कि भाई मैंने पास वास कर लिया, और फिर मेरे को क्या कहते हैं वो मिल जाएगा फुल लाइसेंस, और फिर मैं यहाँ पे ड्राइव कर सकता हूँ। 2 साल तक एन लगाना पड़ता है न्यू आगे पीछे, उसके बाद फिर वो भी हटा सकते हैं, इंश्योरेंस भी लेना। अब गाड़ी लेंगे फिर बताऊँगा गाड़ी कैसे लेते हैं सब कुछ। उसने मेरे को पॉइंट दिए, मतलब यहाँ पे 9 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, 9 पॉइंट से ज़्यादा होए ना अगर माइनर्स तो आप फेल हो जाते हो, और अगर एक भी मेजर हो गया Grade 3 तो भी फेल हो जाते हो, और Grade 2 9 होने चाहिए, और Grade 1 होता है, Grade 1 2 3 होते हैं ठीक है, 2 होता है माइनर। माइनर मतलब मेरे को मिला जैसे राउंड अबाउट्स पे, राउंड अबाउट है तो राइट से जो व्हीकल आते हैं ना उनके लिए रुकना होता है यहाँ पे, तो मैं रुक रहा था। अब कुछ आ रही थी गाड़ियाँ और मेरे को पता था वो इधर मुड़ जाएगी पहले, पर मैं श्योर नहीं था, और अगर बाय चांस वो ना मुड़ती और मैं चल देता तो सीधा मेरा फेल हो जाता सीधा, तो मैंने वो चांस नहीं लिया, मैं रुका रहा। तो फिर उसने मेरे को माइनर दे दिया कि मैं थोड़ी देर तक रुका रहा राउंड अबाउट पे, 10-15 सेकेंड, इतनी देर तक नहीं रुकना चाहिए। और फिर मैं क्लच ज़्यादा यूज़ कर रहा था, उसके लिए भी उसने मेरे को माइनर दे दिया। ऐसे माइनर दे देते अगर आपके 9 हो जाए ना Grade 2 तो आप फेल हो जाते हो, तो बट फाइनली अब फुल लाइसेंस मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे टिप क्या होती है एग्ज़ाम्स की वो भी घर चल के बताता हूँ आपको, थक गया हूँ, पानी वानी पीता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर घर जाके बताऊँगा कैसे आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हो और मैंने कैसे करा। मैंने थ्योरी में 39 आए थे, उसके बाद क्या करना होता है उसके वो बता देता हूँ। हाँ जैसे आपका थ्योरी क्लियर हो गया, वो मैंने पहले वीडियो बना रखी है पहले वाले प्रोसेस की, वो देख लेना ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट है। उसके बाद आपको 39 मेरे आए थे थ्योरी में, उसके बाद मैं एक लेटर लाया था DL एक्सट्रैक्ट इंडिया से, जिसमें था मेरी DL की समरी कि भाई मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई है, मैंने कहीं ठोकी होगी तो नहीं, कुछ पूरा एक्सट्रैक्ट था DL का, वो यहाँ पे आके मैंने दे दिया। तो मेरे 12 लेसन लेने होते हैं, वैसे यहाँ पे 6 हो गए मेरे, और एक लेसन के ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है आपको 35 यूरो से 45 यूरोज़, डिपेंडिंग ऑन द आप किससे ले रहे हो ठीक है। तो मेरे 35 यूरो कॉस्ट करा था और 6 लेसन में लिए थे, पर मेरा इंस्ट्रक्टर बोला आपको एक और लेसन की ज़रूरत है टू बी श्योर कि आप पास कर पाओगे पूरा टेस्ट, तो फिर मैंने 7 लेसन के पैसे दिए ठीक है, 35 यूरो 7 बार दिए। और जब आप किसी से कार लेते हो, जैसे अभी मैंने उसकी कार यूज़ करी थी अपना टेस्ट देने के लिए, आपके पास खुद की कार नहीं होती, जैसे मेरे पास खुद की नहीं थी, क्योंकि आप लर्नर परमिट पे कार ले तो सकते हो बट आप चला तो अभी सकते हो जब आपके साथ कोई बैठा है फुल लाइसेंस वाला, उसके पास 2 साल से ज़्यादा से फुल लाइसेंस है ठीक है, वो साथ में बैठा तभी आप चला सकते हो गाड़ी। तो मैंने गाड़ी ली नहीं, फिर कहीं अगर पकड़ लिया तो पॉइंट्स मिल जाते, तो मैं उसकी गाड़ी लेके गया और मेरे को वो कॉस्ट करी 90 यूरोज़, तो 90 यूरो वो कॉस्ट करी
और 6 लेसन के आप मान लो ऑलमोस्ट, अगर आपके 40 यूरो भी लग रहे हैं, मान लो 35 से 45 लगते हैं, हम 40 एवरेज ले लेते हैं, तो आपके 240 यूरो वो हो गए, अगर 90 से 100 यूरो गाड़ी देने के, तो आपके मान लो 230 से 340 यूरो के आसपास आपके लग जाएंगे, ठीक है, 6 लेसन लेने में और गाड़ी टेस्ट देने में, और टेस्ट देने के भी अलग से 85 यूरो लगते हैं। तो यहाँ पे खर्चा है, मैंने पूरा वो भी वीडियो बना रखी है कितना खर्चा होता है पूरा, वो भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा। अभी मैं स्टेशन पे हूँ यहाँ पे कॉलोनी, और अभी हम जा रहे हैं बेलीमोट अपने, फिर घर जाके बताता हूँ कि टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और वीडियो के भी रेफरेंस डाल दूंगा, जो जो मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर जिनसे मेरे को हेल्प हुई आयरलैंड की, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और ख़ुद भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो अभी घर चल के करते हैं। और भाई जिस बंदे से मैंने अभी सीखा है, मैं आपको यहाँ पर उसकी कार दिख रही होगी, डॉलन स्कूल है स्लाइगो में, आप उससे भी सीख सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट हाँ आपके अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको अगर करना है लेसन, आपको नीड है एक और लेसन की, तो वो कराएगा ही, तभी आपको कार देगा, ताकि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लो अपना एग्ज़ाम, वो आपका बेनिफिट ही है, आपको वापस 90 यूरो कार की और 85 यूरो टेस्ट के नहीं देने पड़ेंगे। उन मेरे को भी करा था, और मैंने अभी जस्ट चेक करा रेवोल्यूट पे, मेरे को भी पैसे भेजने हैं उन्हें 90 यूरो, और मैंने अभी जस्ट चेक करा कि मैंने 35 यूरो पहले वाले एग्ज़ाम के भी नहीं भेजे, क्योंकि मैंने 7 लेसन उन्होंने मुझे दिया और मैंने 6 बारी भेजे हुए, तो एक मैं 35 यूरो और भेजूँगा और आज के भेजूँगा, शायद वो भूल गए होंगे, और वैसे मांगते भी नहीं है वो पैसे, मतलब बाद में मैं भेजता हूँ और मैं ही बता देता हूँ कि मैंने भेज दिया। ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको अपने मन, अपने खुद से ऐसा ईमानदार रहना चाहिए, 30-40 यूरो में कुछ नहीं होता, आपको कल को आपके दिमाग में होगा कि यार हमने अगले को 30-40 यूरो नहीं दिए, कुछ लोगों के नहीं भी होता, मेरे होता है, मैं तो देता हूँ, मेरे को ऐसे किसी के पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, आपसे ऐसे मांगते भी नहीं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं लोग, तो हर जगह हर टाइप के होते हैं, पर हाँ आपको अपने हिसाब से अच्छा रहना चाहिए, इतनी सीधी सी बात ही है। भाई इसको मैंने पकड़ लिया ग्रोसरी स्टोर पे, यहाँ पे कुछ कर दिया। भाई मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जो मैंने टेस्ट दिया था अपना ड्राइविंग का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे क्या ले जाना होता है, एक लर्नर परमिट ले जाना होता है, और हाँ वही दिखाया था शायद, लर्नर परमिट ही मैंने वहाँ पे दिखाया था, और गाड़ी लेके जानी थी, गाड़ी आप अपनी ले जा सकते हो जो आपके पास है ऑलरेडी, आपके नाम पे इंश्योरेंस है, या फिर आप कोई रेंट की कार नहीं ले जा सकते हो, और आप जिस गाड़ी सीख रहे हो उससे ले जा सकते हो, तो वो 90 यूरो मैंने शायद बता दिए थे, वो लिए थे, उस बात को हो गया तो 4 दिन थोड़े दिन, वो मैंने टेस्ट तब दिया था, उसके मैं थोड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे गया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि इतने बजे आने, अपॉइंटमेंट मैंने ली थी ऑनलाइन RSC की वेबसाइट पर, मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला था कॉल करेंगे, तो अगर वो कॉल नहीं करते, जैसे मेरे पास नहीं आया था जिस टाइम पर मेरा टेस्ट था, तो मैं बाहर ही था, फिर मैं अंदर जाके हॉल में बैठ गया उनके वेटिंग एरिया में, फिर वो कॉल करते तभी जाना होता, तो उन्होंने कॉल करा, फिर मैं अंदर गया, अंदर उन्होंने थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे एक, उनके पास 150 के आसपास साइन होते हैं, आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगे, आप देखोगे साइंस होते हैं, वो पढ़ लेना ठीक है। तो यहाँ पे 150 के आसपास साइन होते हैं, उसमें से वो कोई भी आपसे 5-10 साइन पूछ सकते हैं कि ये साइन बताओ ठीक है, उसमें आपने बता दिए तो आपको Grade 1, 2, 3 मिलता है, Grade 1 मतलब सब सही है, Grade 2 मतलब थोड़ा ठीक ठीक है, माइनर है फॉल्ट, और Grade 3 होता है मेजर, अगर आपको एक भी Grade 3 मिल गया तो फेल हो, और Grade 2 आई थिंक 9 होते हैं, 9 मिल गए तो फेल हो, चेक कर लेना। बाकी अंदर जाके मेरे थियोरेटिकल क्वेश्चन बता दिए, थियोरेटिकल में मेरे 2-4 गलत हो गए थे, क्योंकि मैंने पढ़े थे थियोरेटिकल क्वेश्चन, बट उसमें से थोड़े बहुत उन्होंने ऐसे पूछे जो मैंने नहीं पढ़े हुए थे, तो मेरे 1-2 उसमें गलत हो गए थे, तो उसमें मेरे को शायद उन्होंने एक Grade 2 दिया था रोड साइंस में, कि भाई जो मैंने साइन बताए थे, और आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते, जैसे आपके आगे कोई कार जा रही है ठीक है, तो आप कब उसको लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हो, आप तभी कर सकते हो जब आप सीधा जा रहे हो और वो गाड़ी राइट में मुड़ रही है, तो आप उसको लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हो, ऐसे और कैसे कर सकते हो, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे ठीक है। एंड फिर आपकी टायर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1.6 mm थ्रेड डेप्थ टायर की, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है। और फिर आपको वो बंदा बाहर लेके आएगा, उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर सेशन होगा थियोरेटिकल वाला, फिर बाहर लेके आएगा, फिर कार बोलेगा खोलो बोनट, फिर उसमें पूछेगा आपका इंजन ऑयल कहाँ डलता है, ब्रेक फ्लूइड कहाँ डलता है, कूलेंट कहाँ डलता है, मिन मैक्स लेवल कैसे चेक करते हैं, फिर आपके टायर वायर चेक करेगा सब, ब्रेक्स इंडिकेटर्स दोनों काम कर रही है, लाइट्स काम कर रही है सब कुछ, फिर अंदर बैठ के आपके कंट्रोल पूछेगा, यहाँ पे डिमिस्टर कहाँ से ऑन होता है, इंडिकेटर कैसे होता है, लो बीम हाई बीम सब कुछ, मतलब कुछ भी पूछ सकता है ठीक है, आपके सेकेंडरी कंट्रोल्स कार के। फिर वो अंदर बैठ जाएगा और फिर आपके साथ जाएगा राइड पे 35 to 40 minutes, 35 to 40 minutes का आपका टेस्ट होता है, आपको चलानी है, फिर वो आपको एक आप शीट्स देख सकते हो, शीट होती है उसमें वो चीज़ें चेक करेगा कुछ कुछ ठीक है, मतलब आप कार कैसे चला रहे हो, आप क्लच ज़्यादा तो नहीं दबा रहे, आप राउंड अबाउट पे कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 चीज़ें होती हैं मेन ठीक है, बताता हूँ क्या क्या कराते हैं। एक तो आपको रिवर्स करनी होती है ऐसे कर्व के साथ साथ ठीक है,
कार आपने यहाँ रोक दी और फिर आपको ऐसे ऐसे कर्व के साथ बैक लानी होगी, वो एक मेन चीज़ होती है। एक आपको हिल स्टार्ट कराते हैं, हिल पे जाके रुकवा देगा, फिर कहेगा अब आपको हैंड ब्रेक हटा के अपना हिल पे स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, सही स्टार्ट हो जानी चाहिए, वो चेक करते हैं। एक आपका मेन होता है राउंड अबाउट होता है, ये सब चीज़ें होती है कुछ कुछ जो वो आपकी चेक करते हैं। प्रोग्रेस आपको दिखानी होती है, अगर 80 की स्पीड लिमिट है तो आप 70-75 पे चला रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन कैसी है, ट्रैफिक कैसा है, वो सब के साथ अच्छे से आपको प्रोग्रेस कर रहे हो आप। यूँ नहीं है कि बहुत धीरे चला रहे हो, क्योंकि आपको एक वो फुल लाइसेंस दे रहे हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप चला सकते हो रोड पर, और आपसे एक्सीडेंट कुछ हो सकते हैं, तो वो सब कुछ चेक करेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप चला सकते हो रोड पर, तभी लाइसेंस देंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइसेंस, यहाँ पर ऐसे नहीं दे देते, तो फिर वो सब के लिए वो आपको पूरा चेक करेगा। और फिर मैं गया था और फिर उन्होंने मेरे को दिया राउंड अबाउट पे, उन्होंने मेरे को ग्रेड 2 दिए, क्योंकि मैं है ना वेट कर रहा था, राइट से कार आ रही थी और उस कार ने इंडिकेटर नहीं दे रखा था, तो अगर वो मेरी साइड आ जाती और मैं चल लेता और एक दूसरे की वजह से कोई रुक जाता, तो मेरे को सीधा ग्रेड 3 मिल सकता था और मैं सीधा फेल हो जाता, तो मैं वो चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वेट कर लिया राउंड अबाउट पे, और फिर उसके लिए मेरे को ग्रेड 2 मिल गया कि मैंने प्रोग्रेस अच्छे से नहीं दिखाई राउंड अबाउट पे, और मैं क्लच ज़्यादा दबा दिया थोड़ा कुछ जगहों पे, तो क्लच ज़्यादा दबा दिया, तो उसकी वजह से मेरे को एक ग्रेड 2 मिल गया। तो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बट मेरा फर्स्ट टाइम में पास हो गया, और मैंने जितने भी अपने दोस्तों को बताया वो सब कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम में किसी का पास होते उन्होंने नहीं देखा, मतलब होते बहुत कम चांसेस होते हैं, तो मेरा पास हो गया था। मतलब एक तो किसी ने बताया था कि उनके तो किसी भी दोस्त का फर्स्ट टाइम में पास नहीं हुआ, बट तो मेरे को ऐसे लगा यार मैंने तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ कर दी, तो मेरा फर्स्ट टाइम में पास हो गया। तो बाकी स्लाइगो में मैंने दिया था, डबलिन स्लाइगो में मैंने ये फ़र्क देखा, जैसे डबलिन में मैंने देखी रोड्स वोड सब, तो मैंने ये नोटिस करा कि एक राउंड अबाउट का आई थिंक डिफरेंस होता है बस, बाकी तो और कुछ छुटपुट होता होगा, इतना नहीं होता। राउंड अबाउट का मेन होता है कि डबलिन में आपको राउंड अबाउट मिलते हैं, उसमें आपको 3 से 4 ऐसे उसके साइड में लेंस होती है राउंड अबाउट पे, पर स्लाइगो में क्या 2 ही लेंस होती है, तो वहाँ पे थोड़ा आपका ईज ऑफ हो जाता है, बट बाकी आपको बाकी सब चीज़ें वैसे ही करनी होती है। और बस अपनी प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान दो, जो जो आपको यहाँ पे लेसन में वो बताए कि ये चीज़ें आपको करनी है लेसन में, वो चीज़ों पे आप इम्प्रूव करो, नोट्स बनाते रहो, उसके साइंस अच्छे से पढ़ो, मतलब आपको एक अच्छे से पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि भाई आप थियोरेटिकल कैसे दो, थियोरेटिकल के एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना होता है, उसके बाद पूरा प्रोसेस बताता हूँ उनको। जैसे एक रीकैप दे देता हूँ, स्टार्टिंग में आप आए यहाँ पे, आपको थ्योरी टेस्ट शेड्यूल करना होता है, उसके लिए पढ़ना होता है, ऐप बता रखी है, थ्योरी वाला वीडियो देख लेना, फिर उसमें उससे पूरा पढ़ के 40 में से आई थिंक 36 मिनिमम होते हैं, मेरे 39 आए थे उसमें, तो वो आपको थ्योरी टेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपको एक DL एक्सट्रैक्ट लाना है इंडिया से, उसके लिए मैं वेट कर रहा था, फिर वो लेके आया DL एक्सट्रैक्ट कि भाई आपके पास इंडियन लाइसेंस था और आपने इंडिया में कोई कुछ ठोकी नहीं, कुछ नहीं करा, पूरा क्लीन है। DL एक्सट्रैक्ट आप फिर कुरियर करते हो कॉर्क में एक जगह पर, ठीक है, वहाँ पे आप कुरियर करने का, तो आपका चेक करते हैं, फिर आप उस पर टिक कर सकते हो कि आपको 6 मंथ से पहले आपको फुल लाइसेंस के लिए टेस्ट देना है, तो एक आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाता है और आप 12 की जगह 6 लेसन ले सकते हो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है। फिर वो मेरे पास एक लेटर आ गया कि आपको एग्जेम्पशन मिल गया, और वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, ठीक है। फिर मैं जैसे लेसन लेने जाऊँगा कहीं पर अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास, तो वो अपलोड करते हैं RSC की वेबसाइट पर कि इसका एक लेसन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो वो डायरेक्टली आपके 6 लेसन दिखाएगा, ये लेसन करने हैं, ठीक है। फिर आप वो 6 लेसन ले सकते हो, 35 यूरो से 45 यूरो के अराउंड लगता है एक लेसन का। फिर वो लेसन लेने के बाद एक बार देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो 35 से 45 यूरो एक लेसन के लगते हैं। तो फिर वो 6 लेसन लेने के बाद फिर आपको 90 से 100 यूरो देने होते हैं टेस्ट देने के लिए अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को कि आप हमारी अपनी कार हमें दे दो, हम टेस्ट देंगे उस पर, तो 90 से 100 यूरो वो लेते हैं, ठीक है। एंड फिर ये खर्चा होता है, एंड फिर उसके बाद ये 6 लेसन लेने का, फिर वही जो मैंने अभी बताया, आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हो, और ओवरऑल आपका अराउंड 500-600 यूरो खर्चा होता है, ठीक है, ये पूरा खर्चा है आपका। एंड हाँ, आई थिंक मैंने सब बता दिया, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना नीचे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना डेली अपडेट्स के लिए, और बहुत ही जल्दी क्या मतलब मैंने ले लिया कार, ठीक है, मेरे से वेट नहीं हो रहा था, तो वो भी वीडियो जल्दी आएगी। अभी लाइसेंस भी मेरा आ चुका है, ये मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ वीडियो, तो फटाफट ये डालता हूँ, फिर आगे 1-2 दिन में ही आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो जो मेरे लाइसेंस की आ चुका है, क्या क्या दिक्कत आई लाइसेंस लेने में, भी थोड़ी दिक्कत आई थी टेस्ट क्लियर करने के बाद भी, वो सब भी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे नेक्स्ट वीडियो में कार का बता दूंगा, कौन सी कार ली है, क्या सब है, सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, और कार में भी क्या क्या चाहिए होता है, कैसे करना होता है, पूरा बता देगा तुम्हारा भाई तुम्हें कि भाई सब कुछ कैसे होता है। हमें तो थोड़ी दिक्कत हुई थी कि भाई
लोगों से पूछ रहे हैं फ़ोन करके क्या है, क्या क्या चीज़ें, कैसे करना है, कार कैसे खरीदनी है, तो सब कुछ सब बताऊँगा। पूरी वीडियो बना रखी है, फटाफट अपलोड करता हूँ। ये वीडियो कल आ जाएगी संडे को, फिर उसके बाद एक दो दिन में सारी वीडियो आती रहेगी। और डेली ब्लॉग्स भी लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिखाया। 80% अबव व्यूअर्स ने बोला कि हमें डेली ब्लॉग्स चाहिए, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ डेली ब्लॉग्स आपको दिखा सकूँ। तो व्लॉग फटाफट आ रहे हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करा तो 80% लोग, 80% तो नहीं, अब 75 हो गया, मैंने बोला तो 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भाई सब्सक्राइब कर दो जाके, फ्री आपके लिए। ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।